और एक जो बीच का हिस्सा रहा हमारा वो है निकाह, निकाह के अंदर। अब निकाह के ताल्लुक से भी अब ये इतना ऐसा मामला हो चुका है और ये तो बहुत इंतहाई बड़ा मौजू है निकाह का। अब इसके अंदर ये कि अभी न्यूज़ आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा नेशनल मीडिया बहुत बड़ा पेपर है इंग्लिश का, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर खबर छपी कि मुसलमान अपनी पुरानी जो रिवायात है उसकी पाबंदी, वो जकड़न से निकल कर अब बाहर निकलने लगे शादी ब्याह के अंदर। अब वो भी जो है उनके अंदर भी जो है ये चीज़ें होने लगी, डांस और ड्रिंक की पार्टियाँ वो करने लगे। क्या कह रहे हैं, वो जकड़न में फंसे हुए थे तो निकल गए। ठीक है, अब उन्होंने तो तारीफ के लिए लिखा होगा, उनके हिसाब से ये था कि भैया तो फिजूल रस्मों में फंसे हुए थे तो उन्होंने तो तारीफ के लिए लिखा होगा, लेकिन हमारे लिए तो तंज की बात है कि उन्होंने ये लिखा। एक डांस तो वो तो रोडों पे करते हैं लोग, एक डांस वो है कि आजकल डांस पार्टियां होती है मुसलमानों के अंदर भी हो रही, तो ये चीजें रिसेप्शन के अंदर होता है, वो ड्रिंक की आम हो गई, तो ये सारी चीजें, ये शादी है, वो कह रहे हैं ना लोग कि शादी है, तो शादी में आना तो वाकई वो शादी में ही बुला रहे हैं, निकाह में नहीं बुला रहे, निकाह नहीं है, इसको निकाह नहीं कहते, ये शादी होती है। निकाह तो उसको कहा जाता है कि जब दो जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम से आपस में मिले, उसको कहा जाता है निकाह। और ये इतनी सारी लवाजिमात से अगर कर रहे हैं तो ये तो शादी है, फिर इसको शादी कहना चाहिए वो ज़्यादा सही, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं है शादी, ये शादी हमारे पास गैर मुस्लिमों से आई, शादी उनके यहाँ होती है, निकाह नहीं होता ईसाइयों के यहाँ पर, निकाह नहीं होता हिंदुओं के यहाँ पर, तो वहाँ पर तो ये वहाँ शादी होती है, तो शादी की रस्में हमारे यहाँ पर आ गई, ये निकाह की रस्में नहीं है। अब इसके लिए कोशिश तो की जा रही है, कोशिश हर लोग कर रहे हैं कि बैंड बाजे बंद हो, उसके लिए फतावे निकाले जाते हैं, बंद किया जाता है, इतनी कोशिश की जाती है कि काजी यहाँ तक कह चुके हैं कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बंद नहीं होता, नहीं हो रहा, उसकी सक्सेस ही नहीं मिल रही, क्योंकि इसके अंदर मसले ये होते हैं कि इसके अंदर जो अरमान पूरे कब करेंगे, ज़िंदगी में एक तो मौका मिला अरमान पूरे करने का, तो उसके लिए किया जाएगा। औरतें इस रस्म को सबसे ज़्यादा करती हैं, बुजुर्ग जो है वो उसके अंदर कर लिया तो ठीक, क्या है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं कि कोशिश तो कई सालों से हो रही, सब कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक रहा। इसकी वजह यह है कि इसको नौजवानों को आगे आना होगा, जिनके निकाह नहीं हुए उनको कोशिश करनी होगी, तब जाकर ये होगा, कि पुराने वालों के करने से कुछ नहीं होगा, जो मस्जिद के अंदर मदारिस के अंदर बैठ कर फतावा दे दे पेपर में छपाते, कुछ नहीं होना, उससे करते चले आ रहे, देख रहे, नहीं हो रहा, ये तो खुद नौजवानों को उठना होगा, वो इसके लिए बगावत करनी होगी, ये बगावत की चीज़ है, घर के अंदर इस मामले में बगावत होनी चाहिए, ये रस्म नहीं होगी, ये हल्दी नहीं होगी, ये मेहंदी नहीं होगी, ये सेरा नहीं बंधेगा, सादगी रखी जाएगी, इस्लाम सादगी का दीन, तो ये तो उनकी जिनका निकाह हो रहा है उनको करना पड़ेगा, अब पुराने वालों से नहीं होगा, ये उनको करना पड़ेगा तब होगा, क्योंकि उसके लिए तो एक नौजवान उसको मनपसंद लड़की से शादी करना है उसके लिए बगावत कर देता है, खाना पीना छोड़ देगा, मर जाऊंगा, लड़की कहती है कि मैं मर जाऊंगी इससे शादी नहीं करी, घर वाले झुक जाते हैं उसके लिए, कर देते हैं उसका तारीख के, हाँ इससे तो कर देंगे इसकी, उसमें बगावत मंजूर। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है तो कहते हैं कि अब हमारा इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं, तुमने शादी के लिए तो मनवा लिया बगावत करके, उसी से करना है, तो इस रस्मों के अंदर भी बगावत होनी चाहिए कि मेरी शादी में ये नहीं होगी, ये नहीं होगा, आप चाहे जो करें, जिम निकाह होगा और लड़का है तो फिर दावत वलीमा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ये खुद करना होगा तो फिर ये होगा। लेकिन इसमें तो ऐसा हो गया है कि लोग इसमें से ज़्यादा करते हैं, जितना हो सकते हैं इतनी चीज़ें ला के और फ़ख्र से बाद में बताते भी, देखो हमने ये फलां किया था, ये रिसोर्ट इतने का किया, ये बैंड बाहर से इतने का बुलाया था, ये नाचने वाले बुलाए थे, ये डांस फ्लोर लगाया था, ये डीजे लाइट लगवाई, ये फला करवाए, वो करवाए, शादी है ही नहीं, कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ें, ये गुनाह को गिनाया जा रहा है कि देखो इतने सारे गुनाह हमने करे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो ये जो है दीन, और अब ये क्या है, हमको बगावत इस मामले में घर के खिलाफ कर रही है लेकिन इसमें साथ दे रहे हैं, तो ये दीन के खिलाफ, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बगावत है कि हम जो बताएगा उसको छोड़कर जो इतनी सारी चीज़ों को करते हैं, और अल्लाह उसके रसूल से बगावत करे तब उसका फिर ठिकाना क्या होगा, तो ये तो पूछे जाने वाली बात है, और बड़े बड़े गुनाह हैं इससे जो, और जबकि ये तो कहा था अल्लाह ने सूरह आराफ की आयत नंबर 57 के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, मूसा अलैहिस्सलाम के उनको ये अल्लाह ने आयत को नाजिल किया था मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उस दौर के अंदर, कि तुम्हारे बाद में एक उम्मी नबी आएंगे जो लोगों के ऊपर जो बोझ लदे हुए उसको उतार कर फेंक देंगे, ये कुरान में बताया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर यह आयत हमने नाजिल की थी, पेशिंदगी थी इनकी कि वो उतार देंगे। अब ये उतारने के बजाय हम जो उतर गए ना बोझ, वो भी लाते जा रहे हैं, सबके लाओ, ईसाइयों के भी लाओ, हिंदुओं के भी लाओ, यहूदियों के भी लाओ, सबके हमारे पास लाओ, तो ये होता चला रहा है, तो ये इसके अंदर हो रहा है। अब बस ये कि बात कहीं भी जाए तो कहेंगे नहीं भाई मौका, यही तो मौका है हमारे अरमान पूरे करने का, तो यही मौका है,
अल्लाह उसके रसूल की बात को मानने का, इताअत करने का, ये भी एक ही मौका है, जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। यही मौके जिंदगी के तीन हिस्से हैं आपके, पैदाइश, उसका निकाह और उसके बाद उस आदमी की मौत, वफात। इसी के अंदर वो सारी चीजें हमको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी जो अल्लाह के उसके रसूल, अल्लाह के उसके रसूल ने बताई है। इसके अंदर यही मौके हैं, तो यही मौके आपके अरमान निकाल रस्में करने के नहीं, यही मौके इताअत करने के भी। दूसरी जगह तो जिंदगी के अंदर रोजमर्रा में उसमें कुछ कोताही भी होंगी, तो माफ भी हो जाएंगी, लेकिन ये चीजों के लिए जरूरी है कि हम उठे और इसको करें। उसमें बगावत भी की जा सकती है घर वालों के खिलाफ, दूसरे काम में ना करें, लेकिन कम से कम इसमें तो किया जा सकता है, करना चाहिए।